चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ के नाम से, जो आपकी इकोनॉमी की बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये आपकी अर्थशास्त्र की बुक है। इसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर, 5वां चैप्टर है, उपभोक्ता अधिकार। याद रखेंगे, रखिए कि अभी जो नया आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया हुआ है, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें भी हम लोग इसी में अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी आपकी एनसीईआरटी, आपकी सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसकी जो भी पीडीएफ है उस सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, एक से दो बार उसे भी आराम से पढ़ते रहिए। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि आपको शिक्षक की जरूरत पड़ेगी इन बुक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, तो इतना तो मान कर चला जाता है कि आपको कुछ हद तक, काफी हद तक आप लोग समझदार हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी बुक्स किसी भी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाती है, ये आपको खुद पढ़नी होती है। यानी कि इसमें जो भी शब्द मिलेंगे उनका कहानी का रूप देकर पूरी बुक्स लिखी गई है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बस आपको ध्यान रखकर इन्हें पढ़ना है। यह अध्याय हमारे देश में बाजार की कार्य विधि के संदर्भ में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों पर विचार करता है। बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। इसलिए नए उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहन करने की जरूरत है। नए उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के रूप में सावधान और जानकार नागरिक बनना है। यह अध्याय कुछ घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करता है और कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ उपभोक्ता शोषण का शिकार हुए थे और कैसे वैध संस्थाओं ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की है। इन घटनाओं का विवरण छात्रों को उनके जीवन अनुभवों को आसपास की घटनाओं से जोड़ने में असमर्थ बनाएगा। हमें छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होकर उपभोक्ता आंदोलन की नई दिशा दें और अपने लंबे संघर्षों द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं। और यह अध्याय तुम कुछ ऐसे संगठनों के बारे में भी जानकारी देता है जो विभिन्न प्रकार के से उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। अध्याय के अंत में भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कुछ गंभीर मुद्दों को भी बताया गया है। ये आप याद रखिए, इस बुक्स में जो भी आंकड़े लिए गए नीचे ये जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आपको अगर जरूरी लगे तो पढ़ लें कि किन किन से ये आंकड़े लिए जाते हैं। एक बात और आपको यहां बता दूं मैं, उपभोक्ता अधिकार का मतलब है कि हम लोग जो उपभोग, कौन कहलाते हैं उपभोक्ता, हम लोग जो उपभोग वस्तुएं कर रहे हैं, लास्ट में जिसके पास कोई वस्तु जा रही है। आप सोचिए कि आपको इससे मतलब नहीं है कि कहाँ गुड़ का निर्माण हो रहा है, कहाँ उत्पादन हो रहा है, कहाँ बन रहा है गुड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीचे किस व्यक्ति तक किस क्वालिटी में पहुंच रहा है वो ध्यान रखा जाता है। अब दुकानदार किस क्वालिटी में आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन हम खरीद रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, यानी कि उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे ही अधिकारों की बात की जा रही है और हम ही लोगों को आपका उपभोक्ता कह देते हैं, ठीक है, हमारे ही अधिकारों की। तो एक तो ये सामान्य बात याद रखिए, उपभोक्ता में हम ही सभी लोग शामिल रहते हैं जो अंतिम रूप से उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोक्ता अधिकार, उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्देशों के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे हैं। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे हैं, इससे वे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है, बताया आपको, कि हमारे देश में अधिकतर लोग, अगर कुछ मामूली से लोग, कुछ गिने चुने लोग आवाज ना उठाएं तो हमारे देश की हालत बदते बदतर हो सकती है। आप सोचिए कि अधिकार के लिए, सूचना के अधिकार के लिए और लोकपाल के लिए अन्ना साहब ने कितनी बार भूख हड़ताल किया, कितनी मेहनत की, उस व्यक्ति ने देश के लिए अपनी पूरा मतलब जीवन कुर्बान कर दिया। आप समझ सकते हैं, ना परिवार बसाया, ना शादी की, ना कुछ भी, उसके बाद भी हमें मिल चुका है सूचना का अधिकार भी और लोकपाल भी मिल चुका है, फिर भी हम यूज नहीं कर, उपयोग नहीं करते हैं सूचना के अधिकार का। मतलब हमें हथियार भी किसी ने दे दिया कि लीजिए चलाइए, फिर भी हम चला नहीं रहे हैं।
इससे मतलब बुरा स्थिति क्या हो सकती है? एक तो तुम आंदोलन यानी कि संघर्ष नहीं करना चाहते हो, और संघर्ष करके अगर कोई दे दे तो उस रास्ते पर भी नहीं चल सकते हो तुम। इतनी बद से बदतर स्थिति है हमारे यहाँ के लोगों की, आप समझ रहे हैं? कुछ गिने चुने लोग ही अभी कुछ गलत होता है समाज में, तो वही गिने चुने लोग ही आवाज उठाते हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर सरकार को हिला सकता है, तो हमारे वोट के आधार पर तो सरकार चुनी जा रही है, अगर हम लोग खड़े हो जाएं तो क्या होगा? सरकार वही करेगी, अपना पेट कभी नहीं भरेंगे, नेता अपने बच्चों को विदेश में कभी नहीं पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बेहतर ट्रीटमेंट जो भी रहता है विदेशों में कभी नहीं जाएंगे, हम भी विदेश में जा सकते हैं। तो इस तरह का हो सकता है, लेकिन वही है, मुझे क्या करना है। जाते हैं आप लोग ट्रेन, जब भी आपने देखा होगा स्टेशन पर पानी गिर रहा हो किसी नल से, तो कोई बंद करने वाला नहीं होता है। हम सब यही सोचते हैं, हमें क्या मतलब है, गिरने दीजिए। अगर कोई बंद भी कर रहा होता तो उस पर हम लोग ताली बजाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर कि देखिए उस बेवकूफ को। मतलब हमारे अंदर कर्तव्य नाम का कुछ, कि हमारा क्या कर्तव्य है, उसका कोई परिचित नहीं। एक जिंदा लाश की तरह हम लोग चलते फलते फिरते रहते हैं। ये आपको कतरने दिख रही है, ये आपका गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, गलत दवा देने से महिला की मौत, नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, सुरक्षा की गारंटी निर्यात, उपभोक्ता के विश्वास पर और प्रदूषित पानी, बिना डॉक्टर शुरू हो गया है अस्पताल। एक बात आप लोग याद रखिए, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, ये किसी ने आंदोलन ही किया होगा, आप समझ रहे हैं कि मतलब, आप सोचिए प्रोटीन गरीबों के पास, अगर इतनी महंगी आजकल कुछ दालें हैं कि गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है, तो उन्हें क्या किया जाता है, प्रोटीन की उन्हें भी जरूरत है क्योंकि वो भी इंसान है, तो उनके लिए सस्ता मिले। आपने देखा है कि खाद्यान्न, फिर चाहे गेहूं हो उसमें दाल हो, फिर चाहे आपका चावल हो, शक्कर हो, कुछ भी हो, इस तरह की, इसीलिए कोटा, इस तरह की सरकारी सुविधा दी जाती है कि इससे गरीब भी वंचित ना रहे, समझ रहे हैं? उन्हें भी पूरी तरह से जो भी उनकी जरूरतें हैं शरीर की, पूर्ति होती जाएगी। बाजार में अगर हम लोग उपभोक्ता की बात करें, तो बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। उत्पादक का मतलब किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं आप लोग, उसे उत्पादक कह देते हैं, और उपभोक्ता मतलब हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कारगर हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। एक तरह से यही परिभाषा है आपकी उपभोक्ता की, कि किसी मतलब कोई भी उपभोग यानी कि उपयोग की जाने वाली वस्तु, अंतिम जो वस्तु है उसे आप लोग खरीद रहे हैं और आप अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो ही आप लोग उपभोक्ता बन गए। आप सोचिए, एक दुकानदार कोई भी सामान खरीद के ला रहा है, उसे आप लोग उपभोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपको बेच रहा है, आप लोग उसे उपयोग उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता आप कहलाएंगे, ठीक है। और जो 2019 का आपका उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है, संरक्षण अधिनियम आया है, उसमें बहुत कुछ पॉइंट बताए गए हैं, तो लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो नया अधिनियम आया इसमें क्या कहा जा रहा है, उपभोक्ता की क्या परिभाषा है, उनके अधिकार क्या है, एक सामान्य परिचय बोल के बता दूंगा, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले आर्टिकल आपका देख भी लिया था, फिर भी अपडेट कर दूंगा क्योंकि एनसीईआरटी है, अपडेट होते रहते हैं। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों में या फिर इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया। इसका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। आप लोग सुनते रहते हैं ना, 1986 का आपका अधिनियम आया हुआ है पर्यावरण, 1973 में आपने देखा है, 1972 में देखा है, 2006 में पर्यावरण आकलन रिपोर्ट आई, मसौदा बनाया गया, अभी 2020 में भी बनाया गया, तो पर्यावरण को देखकर भी आपके कई तरह के नियम कानून आते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। इनका जो भी आपके साहूकार हुआ करते हैं, इनका काम चीन की तरह है आज की, कि चीन हर तरह से हर हथकंडे अपनाता रहता है कि किसी ना हर देश को वो फांस ले अपनी जाल में। सामरिक रेट के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए
अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। आपने पिछला अध्याय देखा होगा, आपने उसमें कई तरह की आपने समस्याएं देखी हैं। साहूकार किसी को ऋण देता है, अगर आप सोचिए तो उसी को आपको फसल बेचने की जरूरत पड़ती है और एक खासा मतलब ब्याज भी लेता है उस ऋण पर। तो उन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए आप सोचिए कि अगर हम पर्यावरण से भी छेड़छाड़ करते रहें, बुरी तरह से प्रभावित करें, तो एक दिन हमारे सामने बड़ी समस्या हो सकती है। इन सभी को रोकने के लिए, इन सभी पर कंट्रोल करने के लिए कुछ आपके नियम कानून भी, कुछ संस्थाएं भी आपने देखी हैं कि बनाई गई हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या फिर सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा हो अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। उपभोक्ता आंदोलन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। आप सोचिए कि किसी ने कोई भी आप उपभोक्ता यानी कि कोई भी अपना आपने सामान खरीदा, मान लीजिए आपने कहीं से दूध खरीदा, ठीक है, कोई कंपनी बनाने वाली है, सांची ले लीजिए या फिर कोई भी अमूल का ले लीजिए आप लोग। अमूल का दूध आ रहा है, वो खराब निकलता है, उसमें कोई कमी पाई जाती है, तो क्या कहेंगे वो कि तुमने इसे क्यों खरीदा था, मैंने कहा था तुमसे खरीदने के लिए। ये उल्टा सीधा बातें ना बनाना पड़ जाए क्रेता यानी कि क्रेता को, यानी कि जो उत्पादन कर रहा है, जो बेच रहा है आपको, उसे ये सभी बातें बहाना ना करना पड़े, इसलिए नियम लाए गए। आप जानते हैं कि इन नियमों के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, दंडित भी किया जाता है। और अभी 2019 का जो आया हुआ है इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी रखे गए हैं, जिससे अगर कोई इस तरह का मतलब हेर फेर करता है तो उसे कई तरह के दंड भी दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी आपको सुविधा मिलेगी, जो भी सर्विस मिलेगी, वो क्वालिटी भरी रहेगी और एक मतलब भरोसे लायक भी रहेगी। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं, या फिर व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो, या फिर मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। आप सोचिए अगर इस तरह से आपके साथ कोई घटना घट रही है कि कम तोला जा रहा है, या फिर आपसे अच्छी क्वालिटी नहीं दी जा रही, या फिर मिलावट दी जा रही है, तो आप किसी के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास नियम कानून ना हो, आपकी सरकार ना बनाए इस तरह के नियम कानून, तो आप चुपचाप या तो घर बैठ सकते हैं या दूसरी दुकान पर जा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। तो इन्हीं सभी को रोकने के लिए आप समझिए कि आपके कानून जो भी हैं, आपके अधिकारों को लाया गया कि आपके साथ कोई इस तरह की गड़बड़ी ना हो, आपको हानि ना हो, समझ रहे हैं? वरना आप सोचिए कि लोकपाल को ही ले लीजिए। लोकपाल किस लिए लाएगा? आपके अधिकारों को बचाने के लिए। आपके देश में मतलब आप टैक्स भर रहे हैं, फिर चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या फिर डायरेक्ट टैक्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई देता है, देश का हर नागरिक, तो आपके ही पैसे से तो हर कुछ चल रहा है। फिर चाहे आप सांसद ले लीजिए, फिर चाहे आप कहीं परियोजना चल रही है उसका भी काम ले लीजिए, तो आपको पूछने का अधिकार है कि इसमें आखिर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये इतने दिन बनने में लगा है, एक दिन में गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? तो समझ रहे, इससे लोकपाल से प्रधानमंत्री भी तक नहीं छूटा हुआ है। लेकिन अब इसका आगे कैसे उपयोग करते हैं व्यक्ति, वो आप पर निर्भर करता है। आपको बना के दे दिया गया है। इसी तरह आप देखिए कि आपके साथ कोई मिलावट करता है किसी सामान में या कम तोलता है, तो आप जानते हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उससे दंड भी मिलेगा। लेकिन इसका उपयोग आप करते हैं या नहीं करते? आप उसे दंड देने के लिए रिपोर्ट लिखवाते हैं या नहीं? आप उसके खिलाफ FIR करवाते हैं या नहीं? ये आपकी बात है। या तो आप चुपचाप घर लौटाएंगे, या आप कर सकते हैं तो जाइए, आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब उपभोक्ता उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं।
उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी ने यह दावा करते हुए माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए यानी कि बच्चों के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा है। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं, एक समय आपने सुना होगा कि एक कंपनी थी, मोबाइल कंपनी, आपको सर्वर सर्विस प्रोवाइडर करवाती थी कॉल करने की। इसकी एक समय देखा गया कि हर व्यक्ति के खाते में से यानी कि हर व्यक्ति के अकाउंट में से 1.5 रुपए काटा गया, 1 रुपए 50 पैसे काटा गया, और पूरे देश में ये घटनाएं घटी उस कंपनी के जितने भी यूजर थे। इस तरह से करोड़ों का हेर फेर हो गया। आप जानते हैं कि आपके देश में करोड़ों, 125-30 करोड़ जनसंख्या है। आप सोचिए, 85 करोड़ से अगर इस तरह का होता है तो करोड़ों हो गए। तो इस तरह की हेर फेर हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी व्यक्ति ने एक तरह से ध्यान दिया, और जब इसका खुलासा हुआ तो मालूम चला करोड़ों का हेर फेर हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर बटे हैं आप उपभोक्ता, तो आपके अधिकारों का कभी भी सुरक्षा नहीं मिल सकती आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि हम सोचेंगे, अरे रहने दीजिए, 1.5 रुपए ही तो कटे हैं, हम ध्यान भी नहीं देते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए सेवा भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी। और एक बात आपने और देखी, हमेशा आपने कोई भी सिगरेट खरीदते हैं या गुटखा खरीदते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? इससे कैंसर का कारण हो सकता है, लिखा रहता है या नहीं रखा है? अब तो आप हर चीज पर देखते हैं। तो एक बात सोचिए, अगर कानूनी कार्रवाई ना हुई होती और आंदोलन नहीं खड़े हुए होते इसके सामने, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के उत्पादों पर अपने उत्पाद को कोई बदनाम कभी ना करता। आज आप देखते हैं कि सिगरेट एंड भले फिर भी पी रहे हैं लोग, फिर भी गुटखा खा रहे हैं, लेकिन कम से कम उस पर चेतावनी तो दी जा रही है, यही देखने को मिलता है। उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए, यह पूंजीवादी है। अब बात करते हैं उपभोक्ता आंदोलनों की, जो आपको अधिकार दिए गए हैं अभी, फिर चाहे 1986 का हो, फिर चाहे अभी 2019 का हो, जो भी अधिनियम आया, संरक्षण अधिनियम, ये आपके, ऐसा नहीं है कि अपने आप सरकार ने लाके खड़े कर दिए हो। सरकार अपने आप से कभी कुछ नहीं लाती है। आप जानते हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, और इस तरह के जो भी नियम कानून आते हैं उनके लिए एक बड़ा आंदोलन होता है। तो उन्हीं आंदोलनों की हम लोग बात करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। आपकी बात की जा रही है, मैं बता रहा हूँ कि उपभोक्ता का मतलब हम लोग जो अंतिम रूप से उपभोग करते हैं, जो भी वस्तु होती है उसका उपयोग करते हैं, हम ही लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था, या फिर उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में और भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया है। एक बात आप लोग सोचिए, आपने पेप्सी हर कोई खरीदता रहता है आप में से। मैंने देखा है कई बार गांव में क्या करते हैं कि जिसकी डेट निकल जाती है यानी कि पुरानी हो जाती है, उन्हें भी गांव के लोग देखिए अनपढ़ होते हैं, बिना जागरूक कम रहते हैं, तो वे डेट मेट कभी नहीं देखते हैं। तो कई मतलब जिनकी डेट खत्म हो जाती है उनके बाद भी बेचते रहते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे भी रहते हैं। तो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही यह कानून लाए गए हैं। आप सोचिए, इस तरह के कानून ना होते तो वो पीते रहते, वो बीमार पड़ते रहते, कोई मतलब देखने वाला ही नहीं होता, समझ रहे हैं? भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहन करने की आवश्यकता के साथ हुआ है। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बेहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के
आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाली अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अब कम से कम आपके अधिकारों की सुरक्षा तो दी जा रही है, आप ही सोचिए, समझ रहे हैं? अब कोई आप जागरूक हो या ना हो, फिर भी आप डरता है कि मिलावट करने से, जमाखोरी करने से, कालाबाजारी करने से। कम से कम आपको उन्हें डर तो है उनके अंदर कि अगर कोई एक भी व्यक्ति इस तरह के तहत शिकायत करता है तो उन्हें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा और हो सकता है जेल की हवा भी खाने पड़े। अगर इस तरह के नियम ना होते तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत होती हमारे इंडिया की, क्योंकि हमारा इंडिया अधिकतर जनसंख्या, यहाँ आप देखते हैं भारत में जागरूकता का अभाव है। ठीक है, उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाते हुए तो राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए एक हथियार था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना है। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया। एक समय आप लोगों ने देखा होगा कि 1947 की स्थिति आप अपने देश की देख लीजिए, हमारे यहाँ जो भी नीचे मतलब सूद थे या फिर आप कह लीजिए ST SC थे, जनजाति आदिवासी, समझ रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के थे या फिर इस तरह की जो भी जातियां होती थी उनसे बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। कोई उस समय रोकने वाला भी नहीं था। अगर राजा भेदभाव करता है या कोई भी व्यक्ति भेदभाव करता है तो आप उसके खिलाफ जा भी नहीं सकते हैं। आपकी आदत थी कि आप चुपचाप घर में बैठ जाइए, इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि एक बार आप इसके बाद आपने देखा मानव अधिकार संगठन बने, उसके बाद आपने देखा है कि मानव अधिकार आयोग आया। अगर अब आप देखते हैं देश के या फिर किसी भी विश्व में आप देखते हैं किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वहां मानव अधिकार तुरंत पहुंच जाते हैं कार्यकर्ता या फिर आपका आयोग, और वो संज्ञान लेता है, उसके बाद कार्रवाई भी करता है। तो लोग अब डरने लगे हैं, समझ रहे हैं? आज से कई साल पहले आप देखते हैं 1947 के पहले आप कभी भी देख लीजिए किस तरह से भेदभाव किया जाता था। अभी तक आप देख रहे हैं कि इतना मतलब दिमाग में हमारे भेदभाव बैठा हुआ है कि अभी भी ST SC यानी कि जनजातियों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है कई क्षेत्रों में। उनकी मतलब अगर कोई मर गया तो उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं दी जाती। अभी भी आप देख रहे हैं तो आप 1947 के पहले देख सकते होंगे, अभी तो कम से कम आपके पास हजार तरह के कानून है। अगर आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं, कम से कम कार्रवाई तो होगी उनके ऊपर। लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। मतलब एक इंसान, मतलब कोई उसकी सुनने वाला नहीं होगा, ये हालत देख सकते हैं। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बेहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा के बारे में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ जो आप COPRA देख रहे हैं इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, याद रखिए, आपका मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता अधिकारों की, बात करते हैं सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू कक्षा 9वीं का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी बताया और हर्जाना देने का निर्देश भी दिया।
इस तरह के आप भी कई मामले देखते हैं, आप कहीं जाते हैं और आपका, आप तो यहां तक सुना है कि कहीं किसी की किडनी भी निकाल ली जाती है, किसी का आपने देखा होगा कि कुछ अंग निकाल दिया जाता है, तो इसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, ये भी आपका अधिकार इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, रेजी की विधा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षक उचित रूप से नहीं रहा होता है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, आप सोचिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर अधिकार ना होते आपके पास, तो आप सोचिए हमारे देश का क्या हाल होता। अभी सब होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि क्या हाल है हमारे यहाँ के उपभोक्ता हैं, जो जो व्यक्ति हैं उनका क्या हाल है, और जब किसी तरह की पाबंदी ना होती तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेशर कुकर इसलिए आप बल्ब की बात की जा रही है, क्योंकि उसमें कम से कम जब आप देखते हैं प्रेशर कुकर का मतलब यही होता है कि सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस के समय आपने देखा है, जब संगठन की स्थापना हुई 1985 में, जब अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, तो कांग्रेस की स्थापना को भी एक सेफ्टी वॉल्व की बात की गई थी, कि जो मतलब पेशर बन रहा था उसे दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कि जब जानते हैं आपकी उसमें अंदर जो भी दाब बनता है अगर वो बाहर ना निकल पाए तो आप समझिए समय के बाद कुकर भी फट जाता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। बाकी आप समझिए कि देखिए कम से कम एक मतलब जिम्मेदारी तो आ गई है, वरना आप जानते हैं कि जो भी कोई भी उपभोक्ता हो, आप भी अगर दुकानदार हैं, आप भी किसी भी चीज का उत्पादन करें, तो हम अधिक से अधिक लाभ पर ध्यान देते हैं कि हमें अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। हम मतलब उपभोक्ताओं के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, तो कम से कम हमारे ऊपर कोई बंदिशें रहेगी, हमारे ऊपर पाबंदी रहेगी, तो कम से कम हम जिम्मेदारी से तो अपना काम कर सकेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब वस्तुओं और सेवाओं के बारे में अगर हम लोग जानकारी की बात करें, तो जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, मोल और बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होता है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश, उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त होते हैं। आपने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कभी आप अगर देखिए आप लोग कोई भी नॉर्मल निरमा ही आप खरीदते हैं, घड़ी साबुन भी आप खरीदते हैं, तो उस पर भी कुछ आपने देखा है निर्देश डले रहते हैं। खाने वाली कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर भी निर्देश डला रहता है कि इसमें इतना इतना मटेरियल ये मिलाया गया है, इसकी डेट मतलब अंतिम तिथि ये है, और इसकी पैकेजिंग तिथि ये है, ये मूल्य इतना है, इतना ऐसा है वैसा है, इसमें टैक्स ये जुड़ा हुआ है, मतलब पूरी जानकारी रहती है। लेकिन आप जानते हैं फिर भी कि हमारे देश में कम ही लोग इस तरह की जानकारी देखते हैं। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब वो उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने की पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या पर वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है, तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से
अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव भी कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ावा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाओं पाने के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों द्वारा समझा जा सकता है। यह कहने का मतलब है, देखिए आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके ही पैसे से सरकारें चल रही है। ये नेता अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अपने ही हमारे ही सबके पैसे से कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम जाने तो कि कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। आप समझ गए, आपके देश में अभी रफेल आए हुए हैं 5 विमान, तो आपको पूरा पूछने का अधिकार है कि आपने कितना पैसा इस पर खर्च किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, मतलब कैसे किया हुआ है, तो ये आप पूछ सकते हैं। अब याद रखिए, ये अलग बात है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए आपकी सूचना का अधिकार का यानी कि आपने जो पत्र लिखा है उसकी जानकारी ना दी जाए, ये अलग बात हो जाती है, लेकिन आपके पास कम से कम अधिकार तो है कि आप हर चीज के बारे में जाने, अगर जिसका भी आप उपभोग कर रहे हैं या जो आपके पैसे से बन रही है। इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि यह उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलाने का पत्र मिला क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। एक बात और मैं बताता हूँ अपने ही मतलब जिंदगी में, मेरी मतलब इस तरह की मैंने भी किया हुआ है। सूचना के अधिकार का यह भी मतलब होता है कि अगर आपको समय पर सूचना नहीं दी जाए तो उसके एवज में आपको मुआवजा भी मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि एक दो जो होती है आपके बुंदेलखंड में लोग ज्यादा मनाते हैं इसे, तो किसी मंदिर पे हर साल मेरे यहाँ एक मतलब भोज करवाया जाता है बहुत बड़ा, मतलब अच्छी तरीके से। तो मैंने देखा 5-6 महिलाएं वहां बूढ़ी, मतलब उनकी उम्र बहुत घट चुकी, बहुत बढ़ चुकी, मतलब स्थिति चलने लायक भी नहीं, तो वो पैसे मांग रही थी। तो मतलब मुझे लगा पूछना चाहिए, तो मैंने पूछा तो बोली कि मेरे पास ऐसी पेंशन या इस तरह की वृद्धाश्रम जाली कोई भी सुविधा नहीं है, खाने के लिए कोई भी मुझे व्यवस्था नहीं होती है। तो मैंने उसके बाद वहां आरटीआई डाली सूचना के अधिकार के तहत, उस सरपंच से पूछा कि आखिर तुम्हारे यहाँ कितने लोगों को अपन मतलब वृद्धाश्रम दी जा रही है, कि जो पेंशन है या फिर जो जो विधवाएं हैं उन्हें कितना दिया जा रहा है, वैसा कैसा दिया जा रहा है। तो मुझे पता चला कि वहां गांव में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, पता है आप लोग। पर उसके बाद जागरूक हुए वो लोग और मतलब तब उन्होंने हरकत में आकर काम करना शुरू किया। इसी तरह आपने देखा कि आपकी जो शौचालय का निर्माण हो रहा था, इसमें मैंने सुना कि 12,000 के करीब दिए जा रहे थे गांव की तरफ, उसमें देखा मैंने कि 8,000 तो मिल रहे हैं जो बनवा रहा है, लेकिन 4,000 उसमें से सिक्योरिटी खा रहा है, तो मैंने वहां भी डाला। उसके बाद मेरे पास फोन आता है सेक्रेटरी का और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस तरह की हरकत मत करो, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो है कहीं ना कहीं, या तो आप दब जाओ या मतलब आपसे अगर पैसे दे रहा है तो चुपचाप बैठ जाओ, उनका शोषण होने दीजिए, समझ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि काफी हद तक उस वहां बदलाव भी देखने को मिला, और जो वो महिलाएं थी उस तरह की, उन 3 महिलाएं तो हमारे सामने, लेकिन और भी उस गांव में जो भी रहती थी सबको पेंशन बाकायदा मिल रहा है और अच्छा काम हो रहा है। तो ये आपका भी अधिकार बनता है कि आपके गांव में जो भी घटनाएं घट रही हैं तो आप भी इस तरह के काम कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए याद कितने दिन जियोगे आप, अगर मुर्दा बन के जिंदा लाश बन के खड़े हुए हो और हाँ में हाँ मिला रहे हो तो कितने दिन, 200 साल जियोगे, कोई याद नहीं रखेगा। गलत हो रहा है कहीं तो आवाज उठाइए, क्या बिगड़ता है हमारा, कम से कम अगर हमारी वजह से दूसरों को खुशियां मिल रही हैं तो ठीक है, मिलने दीजिए ना। तो यह हाल है, इसका उपयोग करते रहिए समय समय पर आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं चयन के अधिकार का उल्लंघन, पैसे लौटाएंगे। अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यवसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब आपके 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहां ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ने का निश्चय किया।
जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार एक संस्थानों में पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रहते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने उसने संस्था को 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। आप समझ रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग ईमानदारी से किसी से अपना अधिकार मांगते हैं तो कभी नहीं मिलता है। उससे पहले आप भी देख सकते हैं उन महिलाओं की, मैं भी जानता हूं कि उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन उनकी बात को कभी नहीं सुना गया। समझ रहे हैं? तो यही देखा जाता है। तो राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड, सुरक्षा भरना, शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। मैं तो कहता हूं आप सूचना के अधिकार का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, बहुत बड़ा मजा भी आता है इसमें। समझ रहे हैं आप लोग? बस आपका सरपंच या फिर सेक्रेटरी अगर दमंग है तो बच के रहना, क्योंकि वो आपसे बदला भी ले सकता है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, या चाहे वह किसी की किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हम क्या करते हैं कि उसे खरीद भी लेते हैं। उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। इस तरह के आप भी कई बार देखते हैं। और याद रखिए, चुनने का अधिकार ये मतलब है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई भेदभाव हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, तो आपको देखिए FIR तो करवानी होगी। अब आप सोचें आपके घर में बैठकर आपको उपभोक्ता का जो भी संरक्षण मिले हुए हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं वो मिल जाए, ये संभव नहीं है हमारे देश में अभी भी। ठीक है, तो आपको जाना तो होगा। पता है मैं ऐसे एक वकील को जानता हूँ जो अपनी जिंदगी में इसी तरह के केस लड़ते थे। अगर उनके साथ कभी भी किसी तरह का हो रहा है, इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो उस दुकानदार को कोर्ट में घसीट देते थे। उनका पूरा खर्च मैंने देखा है कि जिंदगी भर VIP जिंदगी जीते थे, VIP, और पूरा खर्च इसी तरह के मामलों से अपना निकालते थे। इसमें अच्छा फायदा भी रहता है काफी हद तक। इस तरह ये क्वेश्चन इन्हें देखते रहिए हमेशा। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? आखिर इनके साथ अगर इस तरह के भेदभाव होते हैं तो आखिर इन्हें जाना कहाँ चाहिए? रेजी मैथ्यू अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। ये कुछ उदाहरण हैं जिन जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपको आखिर जाना किसके पास चाहिए? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसमान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील को की सेवा भी ले सकता है और नहीं भी वो अपने आप भी जा सकता है। ठीक है, आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री विकास के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहां तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। विकास ने नई दिल्ली की
एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने जो कदम उठाए हैं वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। इसको देखिए, अपनी बेटी के लिए विकास मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। दूसरी, विकास को यह पता चलता है कि रुपये उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। तीसरी घटना, विकास ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा विकास के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। प्रकाश जब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं, अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष दोनों की दलील सुनते हैं। जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। ये आपका फैसला है। एक बार आप लोगों ने अक्सर इस तरह की चीजें देखी होगी कि आप बैंक में जाते हैं, आपको भगा दिया जाता है, आपसे कह दिया जाता है सर्वर खराब है या इस तरह की चीजें जरूरत है। तो अभी आप भी कभी भी कोई भी आपका काम नहीं कर रहा है, तहसीलदार हो या कोई भी हो, कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, आप लोग कभी उससे इतना भी बोल दीजिए कि आप लिख के दे दीजिए कि मेरा काम आप नहीं कर सकते। या बैंक में आप जा रहे हैं, आपका अकाउंट नहीं खोला जा रहा है, तो आप सामने अगर आप में हिम्मत है तो आप इतना ही बोल दीजिए कि आप इस पर लिख दीजिए कि मैं आपका अकाउंट नहीं खोलूंगा, और इसके बिना तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना सिग्नेचर नीचे लिख डाल दे और लिख दे कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ। कोई भी आपका नेता भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। बस आपके पास क्षमता होनी चाहिए इतना बोलने की, ठीक है। अभी भी आपका कोई भी पटवारी हो, फिर कोई भी जिला स्तर का या फिर कोई भी अधिकारी हो, आप इस तरह का कभी अजमा के देखिए। बस आपके अंदर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी जिज्ञासा होना चाहिए, और समझ रहे हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या फिर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती हैं कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में विशेष व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट्ट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है तो उनके तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना किया गया है। जिला स्तर पर न्यायालय, जिसे हम लोग जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख रुपए तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, ये आपका 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, और राष्ट्रीय स्तर की जो अदालतें हैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। ये उसी तरह आपने देखा होगा कि जब आप पर कोई केस हो और आपकी जमानत अगर पहले आप लोग निचले कोर्ट में जाते हैं, वो भी आपकी रद्द कर देता है, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट रद्द कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यही रहता है, अगर आपका निचले का कोई तंत्र खारिज कर देता है तो आप राज्य आयोग में जा सकते हैं, या फिर राज्य आयोग अगर इसे खारिज कर देता है तो आप इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है, यानी कि शक्तिशाली बनाया है। जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें अगर बात करें, यानी कि आपके जागरूक होने के लिए क्या क्या हमें बातें आवश्यक हैं, यानी कि क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। जब हमें विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ग्राम ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापन को देखकर आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम ने, यानी कि आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका भी अदा की है। आप जो भी विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है, जिनके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सके। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन अवश्य देखे होंगे।
हमारे गांधी जी। बात करते हैं ISI और एग मार्क, ये भी आप देखते रहते हैं अक्सर। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI या फिर एग मार्क या फिर हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या फिर सेवा खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह लोगो और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो अनुवेक्षण या फिर प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं और उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह लोगों को प्रयोग करने की अनुमति भी देते हैं। ये लोगो तो आप लोग देखते हैं हर जगह कि कोई भी आपका प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का तो उसका लोगो लगा रहता है कि कहीं कोई नकली इसका कॉपी बनाकर ना बेचने लगे। इसलिए आप एडिडास का खरीदते हैं जूता तो उस पर भी आप देखते हैं, और भी बेहतर क्वालिटी का जो भी आप खरीदते हैं उस पर भी आप लोग उसका लोगो लगा रहता है। आप फोन भी खरीदते हैं तो उस पर भी आप देखते हैं कि एक लोगो कम से कम लगा रहता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से धब्बा है उस कंपनी का, थक्का आप कह सकते हैं कि उस कंपनी ने कॉपीराइट का उसे अधिकार मिला हुआ है एक तरह से। यद्यपि एक संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या फिर जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य रंग या उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट बोतल बंद, पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादन इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। भी देखते रहिए अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में क्या है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है इसीलिए मनाया जाता है कि हमारी हमें अपने अधिकारों से जागरूक तो हम इसके भी थी, उपभोक्ता जो भी रह रहे हैं, जो भी उपभोक्ता है वो जागरूक तो है। 1986 में इसी दिन यानी कि 24 दिसंबर को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है, यानी कि इसके लिए स्पेशल न्यायालय भी बनाया गया। भारत में उपभोक्ता आंदोलन से संगठित समूहों की व्याख्या उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है जिनमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने काफी आदि में काफी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं होती जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है। अब समझिए आप लोग अगर 20 रुपए की भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप तब भी रसीद मांग सकते हैं, और अगर कोई रसीद नहीं दे सकता है देता है तो आप उसके खिलाफ भी इस तरह से मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर आप लोग देखते हैं हमारे भारत में इस तरह की कोई सुविधा नहीं रहती। आप दुकानदार के पास जाते हैं वो भी कभी रसीद नहीं देता है, समझ रहे हैं? तो एक तरह से आप समझ सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि हमारे यहाँ अगर सरकारी संगठन, सहकारी संगठन ना बनाए जाते आपके अधिकारों के लड़ने के लिए तो हमारे देश का और बुरी स्थिति हो सकती थी। आप देखते हैं मजदूरों का एक संगठन होता है, किसानों का भी संगठन होता है, समय समय पर वो लोग काम करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, इसलिए काफी हद तक इन सेवाओं में मतलब सुधार होता रहता है आपका। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खासतौर से असंगठित क्षेत्र में एक कमजोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पूरा पालन नहीं होता है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपने महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत पड़ती है। याद रखिए अगर आप लोग अलग अलग हैं, एक वो ही कहानी हमें याद आती है जब भी इस तरह की बात होती है कि एक बाप के 4 बेटे थे 5, उसने मतलब सबको अलग अलग लकड़ी दी तो सबने तोड़ दी, उसके बाद उसने बंडल बना के दिया तो किसी भी बेटे ने नहीं तोड़ पाया। तो उसका समझाने का इतना मतलब था कि अगर आप अलग अलग रहते हैं तो आपके अधिकारों को आप आराम से हनन हो सकता है। आप अगर एक संगठन में रहते हैं और एक साथ जाते हैं तो
प्रेशर भी डाला जाता है सरकार पर और आपकी बातें भी मानी जाती हैं, समझ गए। अगर आप ये सोचिए कि अकेले आप जाइए कहीं धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, वहीं अगर 10-50 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार हिल जाती है, समझ में आए। ये भी आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देखते रहिए। और एक बात तो याद रखिए, अब बचता है आपका जो 2019 में आया हुआ है उसे भी आप लोग सुन लीजिए। इसमें आपका एक तो जो परिभाषा भी दी गई है, जो बिल आया हुआ है इसमें, उपभोक्ता की परिभाषा में कहा गया है कि वह उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन भी शामिल है। कहने का सीधा सा मतलब है कि इसमें वो लोग उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो एक वस्तु को खरीद रहे हैं दूसरे को बेचने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए। एक तरह से दुकानदार को ले सकते हैं, उपभोक्ता की परिभाषा में दुकानदारों को कभी नहीं रखा गया है, याद रखिए, क्योंकि वो एक वस्तु को लेते हैं दूसरे को बेच देते हैं, लाभ कमाने के लिए वो काम करते हैं इस तरह की। अगर हम लोग जो भी विधेयक अभी आया है इसका अगर लाभ की बताएं लास्ट में हम लोग कि उपभोक्ताओं को इससे क्या क्या लाभ होंगे, तो वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता के पास एक ही विकल्प था जिसमें अधिक समय लगता था, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई। जो अभी आपका 2019 में आया हुआ है विधेयक, इसमें त्वरित न्याय यानी कि बहुत जल्दी आपके फैसले का निपटारा होगा आपका जो भी समस्या होगी। जो आपके भ्रामक विज्ञापन देखते हैं आप लोग चलते रहते हैं, इनके कारण उपभोक्ता में अगर भ्रम की स्थिति बननी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर कोई खराब प्रभाव पड़ता है, तो भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान भी रखा गया जिससे ताकि इस तरह की मामलों में कमी आए। अगर इस तरह के कोई भी भ्रामक विज्ञापन चलते हैं उससे आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है नकारात्मक, तो इसमें जो भी चला रहे होंगे उनके खिलाफ एक मतलब कठोर प्रावधान सजा का प्रावधान रखा गया। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब ये सीधा सा है कि अब इसमें इस विधेयक में यह भी शामिल कर दिया गया कि बनाने वाला तो इसके लिए जिम्मेदार होगा लेकिन जो आप तक सेवाओं के रूप में पहुंचा रहा होगा वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो आप सोचिए कि अगर कोई दुकानदार जा रहा है कहीं से दूध ले रहा है, यानी कि जहां बन रहा है पैकेट हो रहा है वहां से दूध ले रहा है, तो वो भी चौकन्ना रहेगा, वो भी सब कुछ जान के ही दूध लेगा कि अच्छा क्वालिटी का है या नहीं, क्योंकि उस पर उसे भी दंड मिलेगा अगर इसमें क्वालिटी खराब पाई जाती है। तो ये भी प्रावधान रखा गया, अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि जिम्मेदारी बढ़ेगी, उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया गया, यानी कि साधारण प्रक्रिया बनाई गई आपकी आयोग तक पहुंचने की। वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुद्दों, ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का भी प्रावधान किया गया है, ये आपके लाभ है। बाकी आप लोग याद रखिए जो भी करंट टॉपिक होते हैं उन पर हम लोग बात करते रहते हैं, उन्हें जाकर वहां से देख लें, ठीक है, पूरा आपका विस्तार से बताया गया, ये जब भी अधिनियम बन जाएगा तब हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है आपसे कि आप लोग करंट से जुड़े रहिए, ठीक है, सभी बड़े पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है वहां से डाउनलोड करके इन्हें पढ़ते रहिए जो भी आपको दिया गया है। तो यहाँ जाके आपकी जो कक्षा 10वीं की आर्थिक विकास की समझ के नाम से जो बुक्स है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, और अभी तक आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की, कक्षा 9वीं तक की तो सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कक्षा 10वीं की भी 3 बुक्स कंप्लीट हो चुकी है, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, समकालीन भारत सेकंड, आर्थिक विकास की समझ। अब आगे हम लोग बात करेंगे भारत और समकालीन विश्व सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे।